खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुकुल रॉय ने ममता बैनर्जी पर जमकर हमला बोला है। मुकुल रॉय ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को पश्चिम बंगाल में कोई रैली करने नहीं दी जाती। मुकुल रॉय इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सर ये बताइए सर, क्या बोला है? सर कोलकाता में जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से उठापटक चली सर? दिस इज, देखिए इस तरीके से होगा नहीं तो ना, दिस व्हिच बंगाल में अभी क्वेश्चन है, बंगाल में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? बंगाल में पॉलिटिक्स में नो लेवल प्लेइंग ग्राउंड, बंगाल में अपोजिशन का कोई वॉयस रेज करने का कोई जगह नहीं है। इस तरीके से बंगाल चल रहा है, बीजेपी नेताओं को प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन को, ये तो हम नहीं, बंगाल का सब ऑल पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी को कोई मीटिंग मिचिल करने नहीं देता है। ठीक है, जो कि अपनी बात रख रहे थे, कहा कि जब वो तृणमूल में थे और उन पर आरोप लगे थे शारदा चिटफंड घोटाले में, तब उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। और इसके अलावा जो ममता बंगाल में बीजेपी नेताओं के दौरों पर बैन लगाया गया, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जावेद मंसूर, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो मुकुल रॉय को आपने सुना, पहले तृणमूल में थे, फिर बीजेपी में आए और अब ममता बैनर्जी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।